बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूँ, मेरा तो टाइम पर कोई भी काम नहीं होता है। हाँ जी, तो कौन से वाले हैं आप सभी कमेंट में बताना। और रात को मोबाइल यूज़ करने की आदत से मजबूर हो, आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि आप अच्छी आदतें अगर पाल लो तो आपको मतलब लाइफ में अच्छी आदतें से मजबूर हो जाओगे। लेकिन मानो कि अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल कराएंगी आपको। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर हैबिट्स के बारे में, जो कि आपको जीरो से हीरोइन बना सकती हैं, हीरो बना सकती हैं, आपको सक्सेस ला सकती हैं, और आप जो लाइफ में करना चाहते हैं वो आपको बड़ी आसानी से हासिल करवा दे सकती हैं। तो इस वीडियो को आपको एक नॉर्मल वीडियो की तरह सुनकर ही नहीं निकाल देना, बल्कि इसमें बताए गए जो हैबिट्स हैं, सक्सेसफुल हैबिट्स हैं, उनको नोट करके धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू करना है। ना जो ना कि केवल आपको सफलता दिलाएगी, बल्कि आपको ऐसा इंसान, अच्छा इंसान भी बनाएगी। इसको देखकर लोग ही बोलेंगे कि मुझे तो इस इंसान जैसा बनना है। तो सुपर हैबिट्स, सुपर सक्सेसफुल हैबिट्स की लिस्ट में पहले सुपर सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। हाँ जी, जब आप सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करते हैं तो वो है ये कहता है कि सबसे पहले सुबह के अलार्म की पहली घंटी को हार कर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहले मतलब पहली घंटी पर ही खड़े हो जाते हो तो आप अपने भीतर को मतलब अपने बिस्तर को जितने फोल्ड करके रख देते हो तो टीम को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसको आप हरा नहीं सकोगे। सुबह जल्दी उठना यह शो करता है कि आपने कितनी विल पावर है, आपके लाइफ में आपको टाइम्स कोचिंग करने में कितनी ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करो या फिर कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। सब गुड गुड हैबिट्स करो जो कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही दिलाएंगे। अगर आपको सुबह लेट होने की आदत से मजबूर हो तो डेली आपको अलार्म 5 मिनट देर में आपकी तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगी। हाँ जी, दूसरी सुपर हैबिट्स है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। और यह बहुत अगड़ा है, जो कि हर इंसान बहुत महान इंसान होता है जो अपने फील्ड का बादशाह हो, चाहे वो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो फिल्मों के एक और हो, चाहे कोई एक ऐसा नाम हो जो भी अभी सक्सेसफुल हुआ हो। हमेशा सीख इस ज़िंदगी में जितना भी सिखाती है तो कभी ना कभी हम वह काम ज़रूर कर आता है हमें, जिसमें सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने सपनों के बारे में हर एक बात जानना चाहते हैं, उसे अपने सपने को और आसान बना देते हैं। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया ज़रूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, सीखने वालों की कमी है, तो कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस फील्ड के बाद बादशाह आपको बनना है, आप कोई ऐसी चीज़ सीख जाएं जो कि आपको इतना काबिल बना जाए कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें, नया सीखने के लिए उत्सुक रहें, कह सकते हैं आप कोई ऐसी चीज़ सीख जाएं जो अपन आपको इतना हौसला करके दे कि जितना आपने सोचा भी नहीं हो। पर इसके लिए आपको हमेशा एक सीखना पड़ेगा। तो हैबिट्स हैं, हैबिट्स की लिस्ट में तीसरी है बोले कम और सुने ज़्यादा। हाँ जी, बोलो कम और सुनो ज़्यादा। अगर आप दूसरों को सुनते हो तो भगवान ने इंसान को दो कान दिए हैं और एक अमला मतलब होता है ना कि भगवान ने इंसान को दो कान दिए, दो आंखें दिए हैं। हाँ जी, सुनने से ज़्यादा बोलो राधे राधे या फिर हर हर महादेव। सुनने वाला कभी भी नुकसान नहीं रहता, सुनने वाले को कभी भी नुकसान नहीं रहता, लेकिन सुनाने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। तब बोलने का मतलब है एनर्जी कम वेस्ट करने से करना, ज़्यादा नहीं लगना। मतलब अगर आप ज़्यादा बोल रहे हो तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ बोलो जहाँ आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो किसी की आलोचना मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। कम बोलने वाले और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। हाँ जी, जब इंसान कम होते हैं मतलब कम बोलते हैं ना, तो उनकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और जब वो ज़्यादा बोलते हैं उनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और वे खुद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। उसके अंदर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जितने कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। किसी भी मंजिल को खुद के घुटनों के तले लाने पर मजबूर कर सकते हैं। बीच बीच में 34 हैबिट्स, 34 ऊपर हैबिट्स, इस सहमत होना और मना करना। सीखने की हम कोई कठपुतली नहीं है जो हर बात जी भैया जी सर या फिर करते रहे। मैं एक अलग इंसान हूँ, है ना। तो मेरे अंदर क्या है, किसी के मतलब किसी के पीछे पीछे मतलब किसी के कंधे पर बंदूक लेकर चलना, बोलते हैं ना बड़े लोग
कि अगर वो जाएगा स्कूल तो मैं जाऊंगी, ऐसे करते हैं बच्चे छोटे होते हैं जब, तो किसी के मतलब पेपर में चीटिंग करते हैं, तो वो चीज़ गलत है। आपको जो करना है अपने आप करो, दूसरे के उस पर मत चलो। सपने अलग हैं, सबके सिद्धांत भी अलग हैं और मंजिल भी अलग हैं, तो रास्ते भी अलग होंगे, है ना। जब सपने अलग हैं, सब चीज़ें अलग हैं, तो अगर वह कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, और कोई चीज़ पसंद है तो पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि जो तरीके आपके हों काम के वो हर किसी के हों, है ना। तो औरों का तरीका मत सीखो, सीखना अच्छी बात है, बट जो काम का हो, मतलब बेकार नहीं सीखना, जो अच्छे काम हो वो सीखो। जैसे ही बन जाओगे, मैं इस 800 करोड़ की दुनिया का सबसे अलग इंसान हूँ, और अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हॉबी लाओ जो कि तुम्हारे अंदर सहमत होने का पूरा हक हो, हर उस बात के लिए, उस काम के लिए जो मेरे सपने के लिए हूँ। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अगर अगर आपका मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का, इतना करना सीखना, अगर आपको डर नहीं है, मतलब शोजर बन रहा है तो मन कर मना करना है, मतलब आपका मन कर रहा है, आपका ड्रीम, आपको एम पूरा करना है, तो आप जबरदस्ती दिन तक नहीं चलते और ना कुछ हौसले देते हैं। मना करना सीखिए, क्योंकि मना करने पर औरों की नज़र में कुछ वक्त के लिए आप बुरे ज़रूर बन जाओगे, बट बाद में जब आप कुछ बन जाओगे तो वही लोग आपके पास आकर कहेंगे कि हाँ सो टैलेंटेड, है ना। तो सुपर हिट लिस्ट 5 में है कपूर हैविज, ठीक है। बेहतरीन तरीके से डिसिप्लिन रखना अपनी लाइफ में, हाँ जी, अगर आप डिसिप्लिन रखते हो, हर चीज़ को मतलब एक जहाँ से थाते हो वहीं रखते हो, हर चीज़ को डिसिप्लिन में रखना। दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क नहीं लेना, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का। यह वही है हमेशा के लिए तक जाना का रिस्क ले रहे हो। जहाँ पर आज आप हो, मन से रिस्क लेने का डर निकाल देना चाहिए, माइंड में कभी भी अपने निकाल दीजिए, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे और चले जाएंगे। ये तो सच है, अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो वो मोटा क्यों है, कोई व्यक्ति पतला है तो वो व्यक्ति पतला क्यों है। और मुझे पता है मोटिवेशनल वीडियोज में आपको मोटिवेट करना मेरा काम है, ऐसा ये सो सच है, बट ये भी सच है, कोई लोग मतलब कोई किसी को देख के कैसे भी खुश नहीं है, हर चीज़ में एक कमी होती है। अगर आप अपने लिए परफेक्ट हो तो परफेक्ट हो, इग्नोर देम, क्या कह रहे हैं लोग, क्या नहीं। पैसा वेस्ट हो जाएगा इंसान को पहना इस लेकर मौत तक, ले केवल 3 चीज़ें रह जाएंगी, रोटी, हाँ जी, कपड़ा, मकान, जो कि पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो पास भी पास में वह आपके पास एक्स्ट्रा ही है, उसको अगर आखिरी 2 भी पूरे होकर तक पहुंच जाओगे। लेकिन हमारा मकसद पता है क्या है, हमारे मेरी लाइफ में कुछ करना है। जब हमें कुछ करना होता है अपनी लाइफ में तो हम हर चीज़ को, आपको खुद खुद के अलावा कोई भी क्वीन बेटर ढंग से नहीं समझ सकता इस बात को। जब भी आप कभी भी देखना, आप जब भी आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको अपने से बेहतर कोई नहीं समझेगा। और जब भी आप पढ़ाई करते हो तो एक शेड्यूल बना लो कि हमें इतना मतलब इतने घंटे हमें एक सब्जेक्ट्स को देने हैं, इतने घंटे हमें एक सब्जेक्ट्स को देने हैं। अगर आपने बना ली कि ओपिनियन कि हाँ नहीं हमें इतना कुछ करना है, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। गुड हैबिट्स बहुत सारी हैं जो कि लाइफ को हमें बहुत प्रोडक्टिव बनाती हैं, बहुत हेल्पिंग रहती हैं। तो रात को ही शेड्यूल रिटर्न कर लो जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो मेरा तो यही है, मैं एक दिन पहले नोट डाउन कर लेती हूँ, मैंने पहले वीडियो में भी यही बताया था और अब की वीडियो में भी मैं आपको यही बता रही हूँ। तो मोटिवेट रहो हर चीज़ से, ऑलवेज पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वाइब आएंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, विदु शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाई।